हेलो गाइस, स्वागत है सबका एक और पॉडकास्ट के अंदर। गाइस, स्टडी कितनी ज़रूरी है सब जानते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में, कभी कुछ प्रेशर कभी लाइट होके, या फिर आपके पास एक टारगेट है या पेरेंट्स का बर्डन है या फिर क्लास में अचीवमेंट से रिलेटेड चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। बट आपके लाइफ में एकदम से एक ऐसा टीचर आ जाता है, या ट्यूशन टीचर हो या फिर स्कूल के अंदर क्लास टीचर हो, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता है, समझता है, समझाता है, टारगेट्स बताता है, पढ़ाई का बोझ कम करता है। तो ऐसी ना आज पॉडकास्ट में जो मैम आई हैं, उनका नाम है मिसेस नीलिमा सेठी, उनसे आज मेरी बात हुई। आज वो अपने दिल की कुछ बात करना चाहते हैं, तो पॉडकास्ट में आज उनका स्वागत करते हैं। हेलो मैम। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि मुझे आपने इतना एक स्टेज दिया कि जिसपे मैं हम डिस्कस कर सकें कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और एजुकेशन के अलावा और क्या क्या चीज़ें बच्चों को इफ़ेक्ट करती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और बीइंग अ ट्यूशन टीचर, लास्ट 30 ईयर्स से मैं पढ़ा रही हूँ, तो बीइंग अ ट्यूशन टीचर इतने बच्चे को पढ़ाया है कि बच्चों की साइकोलॉजी समझने में और बच्चों के जो नीड्स हैं वो समझने में काफ़ी वो मेरा जैसे कहते हैं कि ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ आई प्रैक्टिकली। ये नहीं कि हमने बुक में पढ़ लिया, हाँ बच्चों को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, प्रैक्टिकली करके देखा है। तो अब हर बच्चा अब समझ आती है कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ अगर उसके 90% आए हैं तो मेरे 70% क्यों आए हैं, हो सकता है वो किसी और चीज़ में बेहतर हो। तो हमें जो इंडिविजुअलिटी है बच्चों की वो समझ आई है। और मैं हर पेरेंट्स को ये शुरुआत में ही कहना चाहती हूँ कि बच्चों की इंडिविजुअलिटी, बच्चों की यूनिकनेस ख़त्म नहीं करें। मतलब बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चे, दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व बट दे फील ईच एंड एवरीथिंग, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो पेरेंट्स की ड्यूटी होती है, टीचर्स की ड्यूटी होती है कि वो उसको समझे। और हर बच्चा अपनी उसकी यूनिकनेस हर बच्चे की शुरू में ही पता चल जाती है। हम कहेंगे वो बड़े होके शायद उस तरफ डाइवर्ट हुआ है, ऐसा नहीं होता है। हर बच्चा जो होता है उसका शुरू से ही, और ये पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि 2 साल का बच्चा भी अगर है तो वो बता सकते हैं कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ पे है। अच्छा, मतलब ये नहीं आप कह सकते हाँ जी बड़ा हुआ तो उसका इंटरेस्ट उस साइड हो गया। बच्चों का शुरू से ही पता चल जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस साइड पे है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक चाइल्ड को डेवलप करने में, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने में, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जो हम लोग शायद समझते नहीं हैं। इंडियंस तो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं समझते इन चीज़ों को। ये सब पेरेंट्स का हाल है ऑलमोस्ट 99.9%। बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ मैं भी शायद ऐसी थी। अच्छा। लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा और उस सीखने से मैंने अपने आप में चेंजेस लाए, प्लस ट्राई करती हूँ कि जो पेरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनमें भी कुछ चेंजेस आए। ओके, तो मैम जैसे अभी आपसे मेरी 2 मिनट बात हुई ना, मेरा खुद मन करा मैं स्टूडेंट बन जाऊँ या हमें ऐसे टीचर क्यों नहीं मिले। अच्छा लगता है मैम जब आपको भी बड़ा या फिर आपके टीचर, ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर इतने अच्छे समझते हैं, समझाते हैं, इवन आपके पेरेंट्स को भी समझाते हैं। मैम इस शुरुआत कैसे हुई आपकी इस जर्नी की? जर्नी ऐसे हुई कि मेरी मैरिज बहुत अर्ली एज में हो गई और मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करी थी। तो फिर सोचा था चलो दे देंगे पेपर और कि नहीं, फिर मेरी शादी हो गई, फिर आई वॉज़ बिजी इन माय फैमिली, तो मुझे लगता था क्या ज़रूरत है पेपर वेपर देने की, तो अभी छोड़ो भाई। लेकिन मेरे फादर मुझे हर बारी कहते थे कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो मैं कहती थी पापा बहुत काम होता है घर में, अभी पढ़ नहीं सकते हैं। तो पापा कहते थे पढ़ो, पंजाबी में बोलते थे पढ़ो, ऐना पढ़ो, काम करने वाले बथेरे मिल जाएंगे, पढ़ो। तो तब फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे पुश किया कि नहीं तुम पेपर तो ज़रूर दो, चाहे तुम पास हो चाहे ना हो, बट तुम पेपर, एक डिग्री ज़रूर होनी चाहिए तुम्हारे पास। तो पापा के उससे एनकरेजमेंट से और हस्बैंड ने भी फुल सपोर्ट किया, तो मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, आई एम बीएससी ग्रेजुएट। तो मैंने ऐसे ही मतलब
हंसी हंसी में कि चलो हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं. तो मैंने जाके एग्जाम्स दिए अपने. आई एम फ्रॉम अमृतसर, तो मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी करी है. तो मैंने तब अपने एग्जाम्स दिए और आई गॉट अ गुड रिजल्ट. तो मैं उस टाइम बड़ा खुश हुई. बट मैंने कहा पापा अब डिग्री तो मिल गई, अब क्या करना है, नौकरी तो किसी ने करने नहीं देनी है. शादी भी बिजनेस फैमिली में हुई. और जब आज से 32 साल पहले लोगों को इतनी वो नहीं था कि भाई घर की औरतें बाहर जाके काम करें या कुछ करें, उनको ये लगता था कि क्या करना है काम करके. तो मेरी भी शादी बिजनेस फैमिली में हुई थी, तो सब लोग कहते थे कि अभी क्या करना है काम करके. बट अप्स एंड डाउन्स हर एक की लाइफ में आते हैं. तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड की भी थोड़ा बिजनेस डाउन हुआ और कुछ हमारी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स हुई. तो मुझे ये लगता था यार अब क्या करेंगे, द थिंग्स आर नॉट स्टेबल, तो व्हाट टू डू. तो फिर मेरी बहुत फास्ट फ्रेंड थी अर्चना, उसने मुझे कहा कि तू ना व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद द ट्यूशन, मेरे बच्चों से तू स्टार्ट कर ले. और मैंने कहा मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में. कहते तू तो पढ़ी लिखी है एंड साइंस ग्रेजुएट है, तो तू मेरी डॉटर को पढ़ाना शुरू कर. तो मैंने उसकी डॉटर को पढ़ाना शुरू किया एंड शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास. तो इतना वो खुश हो गए कि उसने अपना बेटा भी मेरे से पढ़वाना शुरू कर दिया. प्लस उसने मेरी लोगों के आगे इतनी वो तारीफ़ करी, क्योंकि उसका सर्कल बहुत था, मेरा सर्कल इतना नहीं था. आई वॉज़ फ्रॉम अमृतसर. तो उसके एक्चुअली ये काम तो वर्ड ऑफ माउथ का ही होता है. तो धीरे धीरे बच्चे ऐसे बढ़ते गए और भगवान की दया से मेरे रिजल्ट भी आते गए. प्लस बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप टाइप रखी कि बच्चों को ये भी ना लगे कि हाँ भाई टीचर से पढ़ने जा रहे हैं या कुछ. तो बच्चे खुश होके आते थे मेरे पास. तो और कभी टाइम नहीं मैंने नोट किया आज तक कि अगर मैंने एक घंटा देना है या दो घंटे देने हैं. मेरे में इतनी सिंसेर, मैंने अपने फादर से दो ही चीज़ें सीखी है, सिंसेरिटी एंड पंचुअलिटी. अगर ये दो चीज़ें आपके अंदर है ना, तो आप कहीं भी मात नहीं खा सकते हो. ऑनेस्टी इज द मेन यू नो थिंग इन योर लाइफ. बी ऑनेस्ट, कभी भी आपको कहीं पे भी मात नहीं मिलेगी अगर आप ऑनेस्ट सिंसियर और मेहनती हो. तो वही मैंने कभी नोट ही नहीं किया कि एक घंटा हो गया, चल भाई टाइम पूरा हो गया तो मैं इसको भेज दूँ. तो उसकी वजह से बच्चे मेरे पास बढ़े भी और बच्चों का रिजल्ट भी आया. क्योंकि जब तक उनका काम नहीं होता था, वो उनको पता था मैम भेजेगी नहीं हमें. तो दे यूज़ टू डू पूरा काम एंड देन फिर वो जाते थे. और जब वो उनका रिजल्ट आता है तो वो फटाफट स्कूल से आते मुझे कॉल करते थे कि मैम मेरे इतने नंबर आए हैं. तो वो बहुत खुश होते थे. तो ऑब्वियसली गुरु तो खुश होगा ही अगर उसके स्टूडेंट के इतने अच्छे नंबर आएंगे. तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई. उसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा कि पेरेंट्स आर वेरी वेरी यू नो टूवर्ड्स कि हाँ जी मेरा बच्चा 90% ही स्कोर करना चाहिए. हाँ जी ही शुड स्कोर अबव 90% सो डैट ही शुड गेट एडमिशन इन सम गुड यूनिवर्सिटी एंड ऑल डैट. तो कई बारी मुझे ऐसे लगता था कि ये तो भेड़ चाल है कि 90% से नीचे कुछ नहीं होना चाहिए. बट धीरे धीरे मुझे भी समझ आई देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, एजुकेशन हैज़ अ वेरी वेरी बिग रोल इन योर लाइफ, बट ड्यू टू अदर थिंग्स यू कांट इग्नोर यू नो अदर थिंग्स. लाइक जैसे अब मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो पढ़ाई में ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था. तो हमेशा उसको वो मेरे को अभी तक याद है, वो 2:30 बजे स्कूल से आता था और वो खाना खा के फटाफट मेरे पास पढ़ने आ जाता था. और उसको होता था मैंने 4 बजे क्रिकेट खेलने जाना है.
तो मैं उसको बोलती थी कि बेटा कैसे होगा, तू कैसे करेगा, कई बार 1 आवर के स्पैन में काम नहीं होगा. तो वो मुझे कहता था कि मैं क्रिकेट खेल के जब वापस आऊँगा ना मैम, तो जो बचा होगा मैं वो कर लूँगा. तो मैं उस मुझे उसको देख के बड़ा अच्छा लगता था कि इसको कितनी डेडिकेशन है क्रिकेट की, कि ये सब कुछ छोड़ने को तैयार है कि मेरे को क्रिकेट खेलने जाना है. बट उसके पेरेंट्स को एंड में ये व्हेन ही गॉट इनटू 7th स्टैंडर्ड तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट नीचे आया. तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि मैम ये तो आपने रिजल्ट इसका नीचे आ गया. तो मैंने कहा आप ये तो देखो कि वो क्रिकेट में कहाँ जा रहा है. अगर आप उसको अच्छी कोच दिलवाओगे तो हो सकता है वो इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो जाए, उसका शौक है. बट पेरेंट्स वही एज यूजुअल, उसके फादर MNC में थे तो वो कहते मैम हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता. तो मैंने उनको बोला हम कोशिश तो कर सकते हैं, बट खैर वो नहीं उन्होंने माना और अब वो बच्चा MNC में ही काम कर रहा है, वो क्रिकेट में नहीं गया. बट मुझे ऐसे लगा कि उसका एक ड्रीम था जो फुलफिल नहीं हुआ. तो कई बारी मुझे ऐसे लगता है कि वी शुड नॉट इग्नोर ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो. कई बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनका बच्चा स्लो लर्नर है जी. उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं आती कि बच्चा स्लो लर्नर है, जबकि हमें पता चल जाता है. और ये नहीं कि ज़रूरी हो सकता है पढ़ाई में स्लो लर्नर हो, बाकी किसी चीज़ में अच्छा हो, वो तो हमें हमारी ड्यूटी है ना बच्चे के बीच में ढूंढने की. बट एक्सेप्टेंस तो करो कि हाँ ये स्लो लर्नर है. उनको होता है कि नहीं अगर वो कर रहा है तो ये भी करेगा. तो ये चीज़ जो होती है ना, ये बच्चों के बीच में इनकी यूनिकनेस को ख़त्म कर देती है. बच्चों के अंदर हेट्रेड, बच्चों के अंदर जो जेलसनेस, बच्चों के अंदर जो जैसे ओपोनेंट्स के लिए अपने अपने साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए इतनी बैड फीलिंग्स आ जाती हैं कि उनको लगता है कि भाई इसके अच्छे नंबर ना आए किसी ना किसी तरह तो मेरे को मेरी मम्मा नहीं गुस्सा करेगी. अच्छा. तो ये बड़ा फील होता है मुझे कि कई बार हम बच्चों की चीज़ों को समझते नहीं हैं, हम बच्चों के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं करते हैं. तो वो बहुत हमें करना चाहिए कि हमें हम भी गलतियां करते हैं. मैंने भी बहुत गलतियां करी हुई हैं. मेरे 2 बेटे हैं. मेरा फर्स्ट बेटा वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट मेरा छोटा बेटा वॉज एन एवरेज स्टूडेंट बट ही वॉज वेरी शार्प. पर वो ये था कि मैं मम्मा पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ता हूँ. तो मैं कहती थी तू करेगा क्या अगर तू पढ़ता नहीं है तो. तो कहता मामा मैं पैसा कमाना है मैं कमा लूंगा, उसका ये जवाब होता था. हाँ. तो मैं उसको हमेशा ये बोलती थी कि निमिष पैसा कैसे कमाएगा अगर तू पढ़ेगा नहीं तो, अगर तेरे पास अच्छी डिग्री नहीं होगी तो हाउ कैन यू अर्न मनी. तो ही सेड मामा मैं कर लूंगा डोंट वरी. बट वो पढ़ता सिर्फ मेरे से ही था और मैंने उसको कई बारी डांटना, कई बारी उसको थप्पड़ भी लगा देना, जबकि बड़ा बेटा उसको कभी कहना ही नहीं पड़ा था पढ़ने के लिए. ही वॉज टॉपर इन ऑल हिज लाइफ और वो अब मर्चेंट नेवी में है. और छोटा बेटा मेरा म्यूजिक कंपोजर है. बट मेरा छोटा बेटा व्हेन ही वॉज ओनली 16 years old ही गॉट ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑन द NCS और उसने NCS पे ही गाना अपना दिया था. तो जिसकी उसको अभी तक रॉयल्टी भी आ रही है और उसके कितने व्यूज हैं उस गाने के ऊपर. अरे वाह. तो मैं अब वो मुझे कहता था कि मामा देख लिया मामा मैं पैसा कमा लूँगा. तो तब भी मुझे ये होता था कि नहीं कि ये दिस इज़ नॉट राइट. क्यों बींग अ पेरेंट मैं अपनी भी गलतियाँ बता रही हूँ कि ये मेरे में गलती मैंने करी थी. तो फिर उसके बाद उसने 12th करी तो मैंने उसको 12th में बहुत बोला निमिश बी सिंसियर यू शुड स्कोर 90 above इफ़ यू वॉन्ट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो ही सेड मामा आप चाहते हो मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो. मैंने कहा तेरी नहीं होगी निमिश क्योंकि तेरे इतने नंबर नहीं आएंगे कि तेरी DU में एडमिशन हो जाए. तो ही सेड मामा दिस इज़ अ चैलेंज आई विल गेट एडमिशन इन DU. आई सेड ओके लेट्स सी. देन उसका रिजल्ट आया ही स्कोर 72%. तो मैंने कहा निमिश चल अब हम MET वगैरह में चलते हैं, वहीं पे अब ग्रेजुएशन तो करनी है. ही सेड नहीं मामा मैं DU में ही एडमिशन लूँगा. तो मैंने कहा तेरी कहाँ से होगी,
भाई तेरी एडमिशन नहीं हो सकती है, तेरे तो नंबर ही इतने नहीं है कि तेरे एडमिशन हो. कहता मैंने आपको बोला था कि मेरी एडमिशन होगी. अच्छा जी, बट मैं इसको एमिटी लेके गई. वहाँ हमने बात करी, सब जो भी उधर से हमारी ओरिएंटेशन हुई हमने बात करी, एंड देन दे टोल्ड अस टू गेट द ऑल द फॉर्मेलिटीज डन और फीस वगैरह आप पे कर दो. तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो फीस तो हम पे कर देते हैं, बट मेरा बेटा बहुत एडमेंट हो गया कि मैं यहाँ फीस नहीं देने दूंगा आपको, मैं डी यू में ही एडमिशन लूंगा. तो आई सेड कैसे लेगा? तो उसने कहा मम्मी ई सी ए कोटा से लूंगा. तो मैंने कहा वहाँ 5 सीटें हैं, तेरे को नहीं मिलनी सीट उसमें, वो तो बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं वहाँ पे. खैर ये ई सी ए कोटे में गया और ही स्कोर्ड द फर्स्ट पोजिशन. और जब ये वापस आया तो इससे मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा हाँ, तो हंस पड़ा मैं, मामा मेरी एडमिशन हो गई, मैंने आपको बोला था कि मैं डीयू में एडमिशन लेके दिखाऊंगा. और उसी दिन हर बड़े कॉलेज से, हंसराज कॉलेज से इसको फ़ोन आया, वेंकटेश्वर से इसको फ़ोन आया. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं हम उनमें बिलीव नहीं करते हैं. वी शुड बिलीव इन आवर चिल्ड्रन. और अभी तक मेरा बेटा कहता है कि मैंने डिग्री सिर्फ आपके लिए करी है बिकॉज यू वांटेड इट. लेकिन उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ नहीं ली, इन बॉर्न उसके अंदर म्यूजिक है और वो म्यूजिक कंपोज करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कंपोज करता है, एंड ही इज सक्सेसफुल इन हिज लाइफ बाय दिस टाइम. तो उससे मुझे ये सीख, मुझे उसने सिखाया कि पढ़ाई तो सब कुछ है ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं. तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर ऐसे ही इसके स्कूल में एक और बच्चा था जो आजकल कंपेयरिंग करता है जी. मतलब ठीक है, वो भी एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट था, बट ही इज़ मोर सक्सेसफुल देन अ स्टूडेंट ऑफ 90, द स्टूडेंट हू अटेंड अबव 90%. तो पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट होती है, बट हमारे साथ हमारी लाइफ में और चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. ओके मैम, बहुत कमाल की आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है. सच बात है, जो अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस आपका रहता है ना, तो आप वो दूसरे बच्चों के लिए भी सोचते हैं, दैट इज़ ट्रू. मैम मैं ना थोड़ा सा आपके बचपन के लिए जाना चाहूँगा. जैसे आपका इतना मेच्योर एक माइंड सेट है, आपका एक शार्प है, वो आप लाइक आपका टारगेट क्लियर है आपको कैसे बच्चों ट्रीट करना है. हाँ जी. आपका बचपना कैसे था? मेरा बचपन वी वर वेरी डिसिप्लिन्ड. हमारे उस टाइम तो खैर इतना केबल वेबल कुछ था ही नहीं, फ़ोन भी किसी किसी के घर में होते थे, हमारा फिक्स रूटीन होता था. हाँ एक डिफरेंस ज़रूर था कि हम खेलने जाते थे पार्क्स वगैरह में, और हमें शौक होता था अपना, भाई फटाफट काम ख़त्म करो और हमने शाम को खेलने जाना है, और एक फिक्स रूटीन होता था. इट वॉज अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ. तो जो आजकल के बच्चों में कम दिखती है मुझे, कि दे आर नॉट वेरी डिसिप्लिन्ड. और उस टाइम हमें अपने एक माँ बाप की आंख का डर होता था. और ट्यूशन्स, मैं खुद ट्यूशन टीचर हूँ, बट उस टाइम ऐसे ट्यूशन्स नहीं होती थी. हमारे स्कूल के ही टीचर्स हमें इतना अच्छा पढ़ाते थे कि हमें कभी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. ये सच बात है मैम. हाँ, क्योंकि मैंने खुद में, मुझे याद है शायद 10th में मैंने ट्यूशन लगाई थी या कुछ था उस टाइम, मुझे याद है मेरा 10th का रिजल्ट आना था. तो उस टाइम गैजेट्स होते थे ऐसे फ़ोन पे रिजल्ट, उस टाइम इंटरनेट तो था ही नहीं, तो गैजेट में देखने जाना पड़ता था रिजल्ट. तो मैंने अपने फादर को रोल नंबर लिख के दिया, तो काफ़ी देर तक मेरे फादर आए ही नहीं. तो मुझे लगा, मेरी मम्मा ने कहा मैंने लगता है तेरे नंबर काटा है ने. तो मैंने मम्मी को कहा नहीं मम्मी मेरे पेपर अच्छे हुए हैं, मेरे नंबर कम नहीं आए होंगे. पापा को एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ था ही नहीं. मेरे अच्छा. फादर को बस मेरे रोल नंबर ले गए. उसके बाद मेरे पापा आए, तो मैंने कहा पापा मेरे कितने नंबर आए? पापा कहते मुझे तो पता ही नहीं था तू इतनी होशियार है, मेरी तब स्कॉलरशिप मुझे मिली थी. अरे वाह. तो मैं पापा कहते मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बेटी इतनी होशियार है, मैं तो सोचता था ऐसे ही होगी. तो उस टाइम पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता था कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं. बट आजकल के पेरेंट्स को सब पता होता है कि उनके बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, बट स्टिल दे इग्नोर मैनी थिंग्स इन देयर चाइल्ड लाइफ. मुझे वो ऐसे लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई
मेरा बच्चा सुपरस्टार बने, वो स्पोर्ट्स में भी नंबर वन हो, वो पढ़ाई में भी नंबर वन हो, वो डांस में भी नंबर वन हो, वो म्यूजिक में भी नंबर वन हो, मतलब कोई भी वो चेस में भी नंबर वन हो. आज मतलब ये नहीं वो सोचते कि वो बच्चा है, तुम उसके बचपने को ख़त्म मत करो. सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के पेरेंट्स ने अपने बच्चों के बचपने को ख़त्म ही कर दिया है. मेरे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो आज इस क्लास में जा रहे हैं, कल उस क्लास में जा रहे हैं, कल इस क्लास में जा रहे हैं. तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ ऐसे तुम किसी में भी परफेक्ट नहीं होगे, एक चुनो. नहीं, मम्मा ने कहा है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. तो ये मुझे थोड़ा सा तकलीफ देता है कि बच्चे को मशीन मत बनाओ. बच्चा है, उसको बच्चा ही रहने दो, और वो अपने आप समय आने पर ही फल लगते हैं. एक पेड़ को इसी तरह समय आने पर ही अपने आप डेवलपमेंट होती है, अपने आप समझदार बनते हैं. अगर आप उसका परवरिश अच्छी हो रही है तो वो कभी भी अपने जो एक लाइन है उससे कभी भी वो इधर उधर नहीं होगा. आप जो मर्जी, अगर वो इधर उधर होगा भी तब भी मुझे पता है कि अगर आपकी परवरिश अच्छी है तो आपका बच्चा घर वापस ज़रूर आएगा, और कभी वो नहीं इधर उधर होगा. अनलेस एंड अनटिल कि आप उसके ऊपर बहुत सख्त हो या आप उसके साथ बहुत ओवरलोड, मतलब ओवर लाड भी नहीं करना चाहिए और ओवर शक्ति भी नहीं करनी चाहिए. मैम जिसे कहते हैं मैम 90s की और अभी जो अब टाइम चल रहा है, इस आपके हिसाब से स्टडीज में कितना डिफरेंस है? प्रेशर पहले ठीक था जैसे हम लोग 90s की या फिर पढ़ाई से निकले हैं या फिर आपने जो अपना टाइम देखा, अब वाला प्रेशर ज्यादा है? हमारे टाइम पे प्रेशर नहीं होता था. आज जो प्रेशर है वो स्टडी का तो है ही, सोसाइटी का भी है, फिर सोशल मीडिया सुपर एक्टिव. बिल्कुल. तो आप इसको कैसे देखते हो? अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको. जैसे अब मेरे पास 4-5 स्टूडेंट्स आए हैं. एक स्टूडेंट है, ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली, और बाकी स्टूडेंट्स हैं, दे आर बिलोंग टू एवरेज अपर मिडिल क्लास फैमिली. है सारे अच्छे बच्चे, अच्छे घर के बच्चे हैं. अब जो बहुत रिच फैमिली का है बच्चा, वो आके कहेगा कि जी मेरे पापा US से मेरे लिए PS5 लेके आए या PS6 लेके आए. हाँ, तो उससे ये फर्क पड़ता है कि जो बच्चा, या हो सकता है 3 बहुत रिच बच्चे हो और एक बच्चा थोड़ा एवरेज चाइल्ड हो, तो हमेशा उसको ये लगेगा कि मैं इनसे कम हूँ. तो मैं, मुझे ये ऐसे लगता है कि ये भी एक पेयर प्रेशर हो जाता है उनके ऊपर कि हम इनके जैसे क्यों नहीं है या मेरे पास PS5 क्यों नहीं है. तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ये होता है कि बच्चों को उतना ही दो जितना मतलब ज़रूरी है. मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अगर बच्चे ने मुंह से जो मांगा अगर आप उसको दे देते हो तो वो आगे जाके खुद मेहनत नहीं कर पाएगा. उससे फ़र्क बहुत पड़ता है. और बाकी जो पेयर, जैसे ये आपने सोशल मीडिया का प्रेशर बोला, आजकल छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पे हुक्का करते हुए दिखाई देते हैं या हमें वो ऐसे कुछ काम करते हुए दिखाई देते हैं जो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन देयर लाइफ. तो मुझे ये ऐसे लगता है कि लोग बच्चे सोशल मीडिया पे अटेंशन गेन करने के लिए दे वॉन्ट टू डू दीज थिंग्स, जिससे उनके हर चीज़ पे इफेक्ट तो पड़ता ही है. तो ये कहना चाहूंगी कि इसका जो है ये पेरेंट्स और टीचर्स ही उनको समझा सकते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर देम और व्हाट इज नॉट गुड फॉर देम, क्योंकि वो अभी हैं तो बच्चे ही. हम उनको हर चीज के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते. लेकिन अब जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे 9th-10th के बच्चे आते हैं, मेरे से पीछे ही मुझे एक लड़की ने बताया कि मैम हमारे स्कूल में बच्चे वेप लेके आते हैं. तो आई सेड कि इज इट गुड, डू यू थिंक इट्स गुड? तो उसने मुझे कहा कि मैम मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, बट हाँ अगर बच्चे छुपा के लाते हैं तो इसका मतलब इट्स नॉट गुड. तो मैंने कहा दैट्स वेरी गुड दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ बैड थिंग. जो अगर अच्छी चीज़ होगी वो तुम्हें कभी किसी से छुपानी नहीं पड़ेगी. आप लोगों से क्या छुपाते हो? झूठ छुपाते हो, गलत बात छुपाते हो. तो मैंने उसको ये समझाया, मैंने कहा जो चीज़ हमें दूसरों से छुप के करनी पड़े दैट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट दैट्स नॉट राइट. तो उसने कहा हाँ मैम ये तो आप ठीक कह रहे हो. मैंने कहा अगर मैं आपके सामने चाय पी रही हूँ
तो मैं, इट मींस कि मेरे को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मैं आपके सामने कोई हार्ड ड्रिंक ले रही होंगी तो मैं आपके सामने नहीं लूंगी ना, मैं छुप छुप के लूंगी, तो वो कैसे होगा? इसका मतलब कि वो गलत है. कहती हाँ मैम, ये तो आप ठीक कह रहे हो. तो मेरे को ये लगता है कि अगर हम बच्चों को ये समझाएं कि हमें सच या हमें कोई क्लीन चीज़ किसी से छुपानी नहीं पड़ती है, अगर जो हमारा झूठ होता है या जो हमारी गलत बातें होती है वही हम दूसरों से छुपाते हैं ना, तो ऑब्वियसली जो चीज़ हमें दूसरों से छुपानी पड़े तो हम, इसका मतलब वी आर ऑन द रॉन्ग वे. तो और आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, अगर हम उनसे खुल के हर बात करें तो वो ज़्यादा समझते हैं. हम जैसे छुपाए हर बात उनसे, झूठ बोले उनसे, तो वो हमारी भी गलतियां हैं. हमें उनसे, मुझे लगता है कि खुल के बात करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है या किस चीज़ से वो गुजर रहे हैं. तो हमें उनको समझाना, अगर हम उनसे जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतना ज़्यादा उनको समझ आएगी. मैम मेरे क्वेश्चन है, अभी कुछ टाइम में ना बच्चे बहुत फास्ट है बिकॉज ऑफ फोन, सोशल मीडिया. हमारा जो बचपन था या फिर जो पहले थे शक्तिमान वाले टाइम के लोग, स्ट्रीट गेम्स खत्म हो गई है, दोस्ती नहीं है. अगर एक पांच लड़के या लड़कियां अगर एक रूम में है तो सारे अपने फोन, सारे एवरीबॉडी, सेम थिंग विद अ फैमिली. यस मैम, सपोज उनमें से कुछ ऐसा बच्चा ऐसा होता है जो ये चीज लाइक नहीं कर रहा, चाहे वो अभी का बच्चा हो. तो कुछ बच्चों की डिमांड बचपन से पूरी हुई है, एक तो वो जैसा अभी आपने एग्जांपल दिया था, और कुछ की डिमांड नहीं हुई है. तो ये डिपेंड पेरेंट्स पे करता है कि अगर तुम्हारे को हम कुछ चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाके दे रहे हैं, तो तुम ये बाहर जाके बताओ या ना बताओ, या उनको रखना चाहिए कि वो बस तुम इस चीज को हाइड रखो. एक और चीज, आई एम सॉरी मैम, और एक और चीज की ना, बच्चे आज की डेट में ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब गुस्सा, छोटे बच्चों में गुस्सा, जिद है बहुत ज्यादा, बाहर कहीं भी लाइक वो कुछ भी कर रहे हैं, और घर पे तो हद है एक गुस्से की, कुछ भी तोड़ फोड़ रहे हैं. लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो बच्चे जिद है या बच्चे गुस्सा है, तो आई थिंक चिल्ड्रन आर द शैडो ऑफ देयर फैमिली. राइट. तो इफ इफ समबडी इज इन द फैमिली इज वेरी एरोगेंट और बच्चा उससे कुछ पूछने गया, तो जनरली क्या करते हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी तो चला जाओ उधर, मेरे को ऑफिस का बहुत काम करना है, या अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा अभी. तो फिर अगर तुम एरोगेंस बच्चे पे दिखाते हो तो बच्चा भी तो वही सीखता है. मतलब जो ये एरोगेंस, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये जितनी भी बातें आपने मुझे बोली हैं, ये तो हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं. अगर आज मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ तो जनरली मेरा बच्चा भी शॉर्ट टेम्पर्ड होगा आगे से. ये तो हमें, हम कहते हैं बच्चों को सुधारो, मुझे लगता है अपने आप को सुधारो, वो ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर मैं आज, अगर यही बात पहले किसी से और भी हुई थी मेरी, कि उन्होंने बोला कि भाई अपना कल्चर कैसे, मैंने बच्चों को क्या पता, आजकल के बच्चों को क्या पता हमारा कल्चर. तो मैंने उनको बोला अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो उनको पता भी कैसे चलेगा. आज अगर मैं अपने बेटे को, जैसे मेरा बेटा हनुमान चालीसा पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, क्योंकि उसने देखा है कि मेरे फादर पढ़ते हैं या मेरी मदर पढ़ती है. या जैसे हम अपने कल्चर के बारे में, अगर मैं अपने बच्चों को, हमने अपने बड़ों से सीखा जी. कोई हमने, हम कहीं से सीख के तो नहीं आए थे, तो हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा तो हमने सीखा ना. तो अगर हम अपने बच्चों को अपना कल्चर, अपने रिलीजन, जिसको भी आप मानते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ हिंदू, सिख या मुस्लिम, वॉट एवर इट इज, अगर मैं अपने बच्चे को खुद नहीं बताऊंगी तो मेरे बच्चे को कहाँ से पता चलेगा, वो नहीं पता चलेगा. आप कुछ भी कर लो, अगर मैं अपने बच्चे को, अगर मैं खुद, अगर मैं नहीं फॉलो करूंगी किसी को, मेरा बच्चा कैसे करेगा. सही बात है मैम. तो ये तो हमें अपने बच्चे को खुद सिखाना. देखो एक बच्चा, बच्चा पैदा करना ही नहीं होता, बच्चे को उसका पालन पोषण, पालन पोषण का क्या मतलब होता है कि उसको राइट एजुकेशन देना, अच्छे संस्कार देना, ये सब चीज़ें हमारी गीता में भी लिखा हुआ है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दे सकते हैं, कि हम खुद को भी, हमें आचरण उसी संस्कारों का करना पड़ेगा. ये नहीं कि हम खुद, तो हम जो मर्जी करें और हम चाहें कि हमारे बच्चे भैया बड़े संस्कारी हों, ऐसे कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आप अपने बच्चे के सामने आज ड्रिंक कर रहे हो तो
99.9% है कि वो बच्चा आपके सामने जब बड़ा होगा तो वो भी आपके सामने ड्रिंक करेगा, आप उसको किस मुंह से मना करोगे? या अगर आज अपने बच्चे के सामने आप हुक्का ले रहे हो तो ऑब्वियसली जब वो 20 साल का होगा तो वो भी लेगा, आप किस बिना पे उसको मना करोगे? तो उसके लिए आपको अपने बच्चों को एक चीजें सिखाने के लिए खुद भी डिसिप्लिन्ड होना चाहिए. योर चाइल्ड कांट बी डिसिप्लिन्ड इफ यू आर नॉट. अगर आज जैसे मैं आई एम वेरी पंचुअल, जैसे मुझे कहीं जाना होता है तो आई मेक श्योर कि मैं टाइम पे पहुंचूं. तो वो चीज़ें अब मेरे बच्चों में भी आई हैं कि दे मेक श्योर कि हम टाइम पे जहां भी जाएं हमें टाइम पे पहुंचना है. क्योंकि मेरे फादर कहते थे कि जब तुम टाइम पे नहीं पहुंचे होते फिर कोई फ़ायदा नहीं होते जानता, क्या करना है जाके तुमने इफ यू आर नॉट ऑन टाइम. बिकॉज टाइम इज मनी, हम बोलते हैं ना टाइम इज मनी. व्हाई टाइम इज मनी? बिकॉज टाइम नेवर स्टॉप्स. इफ यू डोंट रिगार्ड द टाइम यू विल, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द टाइम, टाइम विल नॉट रिस्पेक्ट यू. कैसे होगा? अगर आज आप पैसे भी कमा, देखो आजकल का जमाना क्या है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ. पैसा भी तभी कमाओगे अगर डिसिप्लिन्ड होगे, पंचुअल होगे. ऐसे तो नहीं कि, और ये कैसे आती है चीज़ें, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, ये कैसे आती है? थ्रू एजुकेशन. क्योंकि आप जितना पढ़ोगे उतना आपका माइंड भी उसी तरह से वर्क करेगा. आप एक 10 साल का बच्चा जो स्कूल नहीं जाता उसको बिठाओ और एक 10 साल का बच्चा जो स्कूल जाता है, उनमें कितना डिफरेंस होगा? क्योंकि एजुकेशन, उनकी सोच में डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ एजुकेशन. मतलब एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच आर इम्पॉर्टेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ. मैम मेरा जो एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, जैसे ना पंजाबी फैमिलीज के अंदर ना एजुकेशन, चाहे वो लड़की कर रही है चाहे वो बिफोर मैरिज कर रही है या आफ्टर मैरिज करती है, उनका एटमॉस्फेयर बहुत अलग होता है अदर फैमिली के अकॉर्डिंग. आप पंजाबी फैमिली से हैं, आप पंजाब की गलियों में बड़ी हुई हैं, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हुई हैं, बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट योर लाइफ. लाइक वो क्या है, मतलब पंजाबी कल्चर इतना ब्रॉड क्यों है, वो लोग इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं, वो क्यों इतने अपने बच्चों को लेकर या उनकी स्टडी को लेकर या उनके फ्यूचर को लेकर इतने ज़्यादा केयरेबल क्यों होते हैं? सारी फैमिली होती है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पंजाबी थोड़े से ना ज़्यादा होते हैं कि ठीक है बेटा पढ़ो करो जो करना है. आप इसमें ये कह सकते हो कि ये मैं तो आपसे इस चीज़ में आई एम नॉट कि सिर्फ पंजाबी फैमिलीज ही अपने बच्चों को कहती है पढ़ो या लिखो. एवरी आई थिंक आजकल तो हर फैमिली के लोग कहते हैं कि अभी, आप पढ़ो. अभी हैं, हाँ जी. आप सही कह रहे हैं, बट जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो लोग ना जैसे मेरा राबता कभी किसी लेडी से हुआ है, हाँ हाँ. जो मेरा प्रोफेशन रहा है, हाँ उसके अंदर ज्यादा एजुकेटेड ऑल द टाइम पंजाबी या सिख लोग या पंजाबी लोग होते, जिसमें लेडीज और मतलब ज्यादातर लेडीज ना एजुकेटेड होती थी. ये मेरे को थोड़ा सा लगा, अदर कल्चर में भी है बट उनकी एक पर्सनालिटी प्रोफाइल या वे ऑफ टॉकिंग या फिर कुछ ना दिखता था कि अगर मतलब एक मैम भी 60 की लग रही है लेकिन उनका वे ऑफ टॉकिंग कितना क्लास है. तो मेरे को फील हुआ कि मेरा जो काम का एक्सपीरियंस आया उसके अंदर ना पंजाबी के अंदर जो भी लेडी या फिर लड़की आई या फिर किसी भी लड़का या फिर कोई अंकल आए, उनका एक क्लास ही अलग होता है. वो लोग ऐसे क्यों है, रीजन? मे बी आई थिंक तो पंजाबी फैमिलीज ने अपनी लड़कियों को एज अ बर्डन नहीं कभी लिया. दे ट्रीटेड देम एज देयर सन ओनली. उन्होंने भेदभाव नहीं करा जैसे पुराने ज़माने में किया जाता था कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता था. तो मुझे जिस फैमिली में मैं भी आई हूँ, मेरे फादर ने हम दो सिस्टर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे रादर देन माई ब्रदर. मेरे पापा यही कहते थे पढ़ो सीखो जो सीखना है, सब कुछ अपना चीज़ें लो, हर चीज़. मतलब उन्होंने कभी कोई चीज़ हमें मना नहीं किया था. तो मुझे ऐसे लगता है कि पंजाबी फैमिलीज में ना लड़कियों को एज अ बर्डन ही लिया जाता. मतलब दे एम्ब्रेस देम, दे एम्ब्रेस देयर जर्नी कि हाँ कि लड़कियां भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए. तो और मुझे तो लगता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तभी तो वो अपने जो हमारा इंडियन सोसाइटी है उसमें ज़्यादातर जो रोल है एक मदर का होता है. अगर मदर एजुकेटेड नहीं होगी तो बच्चे कैसे सीखेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि मदर शुड बी वेरी वेल एजुकेटेड.
मदर्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि ठीक है आज तुम्हारी फैमिली के पास बहुत पैसा है और तुम्हारा भी शादियाँ अच्छी फैमिलीज़ में होंगी, लेकिन एजुकेशन कभी खाली नहीं जाती है। अपने आप में पढ़ो। और कितने बच्चे हैं, एक स्टूडेंट है मेरी, ट्विंस थी वो लड़कियाँ, और वो पढ़ती थी तो वो मुझे कहती थी कि मैम हम क्या करेंगे पढ़ के, आप बहुत पढ़ाते हो। तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं, जब पढ़ोगे ना तो यू विल फील वेरी प्राउड एंड यू विल मेक मी प्राउड ऑल्सो। तो वो छोटी छोटी थी तो वो मुझे कहती थी कि मैम मैं ना साइंटिस्ट बन जाऊँगी, तो आई विल अर्न माई मनी। मैंने कहा दैट्स वॉट आई वॉन्ट, यू शुड अर्न योर मनी। तो फिर वो मुझे कहती थी कि मैम मैं जब मैं बहुत पैसा इकट्ठा कर लूँगी ना, तो मैं आपको वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊँगी। और मैं उसको कहती थी कि आई वुड वेट फॉर डैट। तो अब वो डेंटिस्ट बन गई है और वो मुझे कॉल करती है कि मैम डोंट वरी, योर वर्ल्ड टूर इज पेंडिंग, आई विल टेक यू फॉर द वर्ल्ड टूर। तो कितना प्राउड फील होता है कि जब आपको कोई स्टूडेंट आपको ऐसे कहे। और वो साफ कहती है अपने पेरेंट्स के सामने, वो दोनों बच्चियां कहती है कि अगर आज हम डॉक्टर बने हैं तो मैम की वजह से बने, क्योंकि मैम ने हमें सिखाया था कि यू शुड अर्न योर सेल्फ, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। मतलब बच्चों को मैं ये ज़रूर सिखाती हूँ, लड़कियों को खास करके, कि कुछ भी बनो, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर या इंजीनियर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूर होनी चाहिए लड़कियों में खास करके, ताकि उनको ये ना लगे कि हम किसी के अंडर हैं या हम किसी बंदिश में हैं, या आज मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता है लेकिन मुझे यही रहना है क्योंकि मैं क्या करूँगी बाहर जाके। तो ये बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं अपने गर्ल स्टूडेंट्स को ज़रूर कहती हूँ कि यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, चाहे आप कुछ भी बनो। मेरे से एक स्टूडेंट अभी पढ़ रही है, पढ़ाई में उसका इतना मन नहीं लगता, तो मैं उसको कहती हूँ कि जो ठीक है, लेकिन वो कहती है कि मैंने ब्लॉगर बनना है। तो मैं उसको कहती हूँ ब्लॉगर बन, मैं ये नहीं कहती कि ब्लॉगर बनना बुरी बात है, पर ब्लॉगर बनने के लिए भी तो अकल होनी चाहिए, कैसे करेगी, तो इसलिए पढ़। मैं ये नहीं कह रही 90% लेके आ, बट इतने परसेंट लेके आ कि हमें कहते हुए या हमें बताते हुए किसी को झूठ ना बोलना पड़े या शर्म ना आए। तो वो अब पढ़ती है, बट कहती है मैं पढ़ती हूँ लेकिन मैं बनूंगी ब्लॉगर। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ब्लॉगर बन, ब्लॉगर की पढ़ाई कर लो, चलो पढ़ कर लो। बट मैं उसको बोलती हूँ ब्लॉगर बन, बट पढ़। मतलब कोई भी चीज, कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता, बुरी आपकी सोच होती है। When I started with the tuitions, तो मुझे लोग, काफ़ी लोग ये भी कहते थे आपके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब आप ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू हो गए। उनके अकॉर्डिंग ट्यूशन में क्या बुराई थी? आई डोंट नो, बट मैंने कभी उनको आंसर बैक नहीं किया था। तो मैं हमेशा हंसती थी। मैं हस्बैंड को मैंने बताया था कि मेरे को लोग ऐसे बोलते हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम अपना काम चुप करके करते रहो, लोगों का क्या है, वो तो बोलते ही रहेंगे, तो लोग तो बोलते ही रहते हैं, अपना काम करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, उसी में सब चीज़ें आ जाती हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, नीयत साफ रखो, कभी अपनी नीयत में कोई भी खोट मत लेके आओ। यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर वर्क, विद योर हैबिट्स, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको फेम, आपको सब कुछ मिलता है अगर आप अपने काम के प्रति सिंसियर और ऑनेस्ट हो। अब मेरे, आई एम अ नोन टीचर, लोग मेरे पास आते हैं, कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता और मुझे मना करना पड़ता है, और दे वेट फॉर मी, मैम अगले साल ले लोगे? मैं तब भी उनको कहती हूँ कि अगले साल देखो कोई स्टूडेंट छोड़ेगा तो मैं ज़रूर एडजस्ट करूँगी। तो यही होता है कि कभी ये ट्यूशन स्टार्ट हुई थी जब मेरी ज़रूरत थी। नाउ टीचिंग हैज़ बिकम माई पैशन, आई लव टू टीच स्टूडेंट। कोविड में लोगों के पास काम नहीं था और मैं आई वॉज बिजी विद माई क्लासेस, और कितना कुछ सीखा मैंने। मतलब कोविड में जब क्लासेस बंद हुई तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे लैपटॉप पे क्लासेस लूँगी। तो मुझे पेरेंट्स के फ़ोन आए, मैम क्लासेस कब स्टार्ट करनी है? तो मैंने कहा क्लासेस कैसे स्टार्ट होंगी, अभी तो कोविड है एंड अभी तो वो बच्चे आ भी नहीं सकते और मैं भी नहीं जा सकती, तो हम कैसे करेंगे? तो वो मुझे कहते थे मैम ऑनलाइन लो।
तो मैंने कहा मुझे तो ऑनलाइन आता ही नहीं है. और तब मेरा बड़ा बेटा मुझे कहता था कि मम्मा सीखो लैपटॉप. तो मैंने कभी सीखा ही नहीं लैपटॉप, ना मुझे कभी ज़रूरत पड़ी. तो कहता मम्मा तो अब ज़रूरत है, अब सीखो. तो आज बड़े डरते डरते शुरू किया. तो वो मुझे, बच्चे हंसते थे मेरे ऊपर, मैम 4 बटन गलत दबाओगे, 5वां ठीक दबेगा आपसे. तो मैं कहती थी कैसे होगा, मुझे नहीं आता, मैं बड़ा मुश्किल होगा. बट मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे, मेरे बच्चों ने, मेरे दोनों बेटों ने और मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे सारा कंप्यूटर ऑपरेट करना सिखाया. और मैं इतना, अब सब लोग हैरान होते हैं कि मैं इतना स्विफ्टली कंप्यूटर पे काम कर लेती हूँ. मतलब 2 साल मैंने, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं 46 की एज में कंप्यूटर सीखूंगी. सीखने की कोई एज नहीं होती, एज हैज 2 बार. आप सीखो, जिस जब आप सीखोगे, जब आपके मन में वो आ जाएगी ना धुन की मैंने सीखना है जी, तभी सवेरा है. वेरी नाइस मैम, मेरा क्वेश्चन आ रहा अंदर से. हाँ, मैं रह रही हूं मैम, आपने इतने सारे स्टूडेंट को इतने साल से पढ़ाया, स्टिल आप पढ़ा रहे हो, आपका पैक मतलब पूरा दिन पैक होता होगा, आपको टाइम नहीं मिलता होगा. हाँ. आपको हर एक बच्चे को नए तरीके से देखना है, उनके सिलेबस को पढ़ना है, प्लस उनके फैमिली प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि वो बच्चों के चेहरे पे दिखता है. हाँ जी, राइट? हाँ जी. मैम, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए आप क्या करते हो, क्योंकि आपको तो सर्व करना ना फ्रेश ही, लाइक आप उसका क्या राज है, क्योंकि आप अभी यहाँ बैठे हो, आपका एक और आएगा, आपकी एक पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा मैं बीच में आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूं. बट आप अपने आप को फ्रेश रखने के लिए क्या करते हो, मेडिटेशन, योगा, क्या करते हो? योगा करती हूँ, हमारे सर आते हैं नितिन सर, वो हमें योगा करवाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, उससे फर्क पड़ता है. प्लस म्यूजिक सुनती हूँ, म्यूजिक से बहुत रिफ्रेशमेंट मिलता है. तो इन चीज़ों से प्लस मुझे ऐसे लगता है कि वही फिर आ जाती है वही बात, पंचुअलिटी. मतलब मैंने अपने एक एक मिनट सुबह शेड्यूल कर लिया होता है कि मैंने इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है, इस टाइम पे ये करना है. तो वो टस से मस नहीं करने होता ना, मैं अपने आप को होने देती हूँ. तो उससे व्हेन यू आर ऑर्गेनाइज ना, तो आपको हर चीज़ के लिए समय मिल जाता है. Agreed, ma'am. हाँ, मतलब मैं आई एम एन अर्ली राइजर, तो मुझे पता होता है मैंने सुबह उठ के क्या क्या करना है और कैसे करना है. और प्लस मेरे को अपनी जितने, मतलब मैं मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, मैं फ्रेंड सर्कल में भी बहुत घूमती हूँ, मैं काफ़ी जगह ट्रैवल भी करती हूँ. बट वही होता है कि इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग इन अ डिसिप्लिन्ड वे ना, तो फिर इट हैपेंस, इट हैपेंस. तुम, भगवान भी तुम्हारी मदद करते हैं तुम्हारी चीजें पूरी करने में, जब आप पूरी मेहनत करते हो तो. मैम, नितिन सर आए थे पॉडकास्ट में. हाँ. उन्होंने रिकमेंड किया कि मैं एक ऐसे पर्सन से मिलवा रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा उनसे बात करके. वो मुझे खुद ही कहते हैं कि मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है मैम, पंचुअलिटी तो उन्होंने मेरे से सीखी है. मैम, आप स्पिरिचुअल हो? वेरी स्पिरिचुअल, वेरी वेरी. आपके हिसाब से आस्था क्या, एक टीचर आस्था को किस अकॉर्डिंग देखती है, पढ़ाई उनके लिए उनका वर्कशॉप है या फिर वो देवता को मानती है, अगर मानते तो उनके ट्रैवलिंग में या फिर थॉट्स पे क्या होता है? मेरे पास जब एक बच्चा आता है पढ़ने, किसी भी उम्र का बच्चा हो, मुझे ऐसे लगता है कच्ची मिट्टी आई है और मैं प्रभु के आगे सिर झुका के बोलती हूँ कि हे प्रभु, अगर तूने मुझे इसका कुम्हार बनाया है तो इसको एक अच्छी शक्ल देना और मेरी मदद करना कि ये बच्चा बहुत शाइन करे. और प्रभु की बहुत कृपा है, मेरे स्टूडेंट्स बहुत शाइन करते हैं. और मेरे को सच में पीपल कम टू मी कि अरे आपने उसको पढ़ाया हुआ है मैम, मैं कहती हूँ हाँ मैम, वो बच्चा आपकी बहुत तारीफ करता है. तो इसी में आप देखो, आपको पैसा तो चलो एक अलग चीज़ है, बट आपको जो ये चीज़ आपको सेटिस्फाई करके जाती है ना, वो चीज़ आपको आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो. जैसे कोई मेरे को आके बोलता है, जैसे मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि नीलिमा मैम आप कहाँ पे हो, हमने आपसे मिल, जब बच्चों को डिग्री मिलती है तो वो आते हैं मेरे पास, पैरों को छूते हैं, डिग्री मेरे पैरों में रखते हैं. तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ. मैं वो दिख रहा है. हाँ, वो मैं नहीं डिस्क्राइब, मतलब मेरे इतने आई फील सो ग्रेट फुल. और मैं, मेरा ग्रैटिट्यूड है भगवान की तरफ कि मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया कि मैं बच्चों को अच्छा शेप दे सकी.
मतलब इसमें तो देखो प्रभु का टीचर्स तो बहुत है, लाखों टीचर्स हैं, बट क्यों मेरे पे, मुझे लगता है प्रभु का एक कृपा मेहर कुछ भी समझ लो तो वो है ही है. मुझे लगता है कि ही इज बिहाइंड मी, जो मुझे गाइड करते हैं, उनके लिए बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से. मैम इतने सालों में आपका इतना अच्छा कमाल का करियर रहा है, आपको लोग बहुत मानते हैं, आपने कभी किसी स्कूल को ज्वाइन करने की सोची नहीं है आपने, या ट्राई किया? नहीं, मैंने कभी नहीं ट्राई. इसका रीजन मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना कुछ स्कूल की थॉट मैं जानना चाहता हूँ. स्कूल में आपने जैसे बोला स्टडी पहले, स्कूल जो होते थे उनके बाद ट्यूशंस की नीड नहीं पड़ती थी, इस बात से मैं सहमत हूँ. आज ट्यूशंस की नीड पड़ रही है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या एटमॉस्फेयर है स्कूल्स का? स्कूल मैंने इसलिए भी ज्वाइन नहीं करना चाहा क्योंकि मैं आई वांटेड टू बी माय ओन बॉस, आई डोंट वांट टू वर्क अंडर एनीबॉडी. प्लस मुझे लगता था कि जब मैंने ट्यूशन स्टार्ट करी तब मुझे लगता था कि इन बच्चों को शायद मेरी ज़रूरत है या कुछ भी, बट मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी स्कूल जॉब के लिए ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं स्कूल जॉब करनी है, या मेरे को लगता था कि मुझे करनी चाहिए, मतलब मेरे दिमाग में कभी आया भी नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग. और अगर मुझे एक दो स्कूल की ऑफर्स भी आई थी तो मेरे को लगा कि नहीं, मैं अपनी टर्म्स पे अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहती थी. क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं वही कहती हूँ, हर बच्चा यूनिक है. हम एक क्लास के झुंड में, 50 बच्चों के झुंड में हर बच्चे को यूनिकली नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये मुझे फ़र्क लगता था. स्कूल में तो वही है ना, रटा रटाया सिलेबस कर देना है. अब हमारे मेरे स्टूडेंट को अगर सम एक तरह से नहीं आ रहा एक वे से, मैं उसका दूसरा वे ढूंढती हूँ, मैं तीसरा वे ढूंढती हूँ. और मुझे लगता है मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट ही मुझे सिखाता है कि इस वे से उसे नहीं समझ आ रहा, तो मुझे पता है कि मैंने उसको कैसे समझाना है, या मैं समझ आती हूँ कि अगर ये नहीं समझ रहा तो इसका मतलब इसका मन नहीं है इस टाइम ये करने का, तो हम कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई और सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं जो मुझे पता चलता है कि अब वो कर लेगा जो मुझे पता है. अच्छा. तो ये फर्क आ जाता है. मतलब मैं एक रिजिड एटमॉस्फेयर में नहीं काम करना चाहती थी. मैम सारी कैटेगरी के एटमॉस्फेयर, मतलब सॉरी एटमॉस्फेयर कह रहा हूं, सारी कैटेगरी के सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? टिल फर्स्ट टू एट्थ ऑल सब्जेक्ट्स, एंड 9th-10th में मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती हूं. ठीक है, बाकी ऑल सब्जेक्ट्स मैं लेती हूं. मैम अगर पॉडकास्ट के बाद आपके पास कॉल्स आएंगे या फिर आपके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आएंगे, आप उन स्टूडेंट्स को टाइम दे पाओगे? क्योंकि आपके पास टाइम है. आई विल ट्राई माय बेस्ट. वो तो समय बताएगा और सब कुछ फ्यूचर हम नहीं सोच सकते ना क्या होगा, वो तो समय बताएगा और जो प्रभु ने लिखा होगा. अगर उन बच्चों का मेरे साथ मेल लिखा होगा तो ज़रूर होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि ना हो. अगर मेरी किस्मत में या उनकी किस्मत में हम दोनों का मिलना लिखा होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है. मैम पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन चाहूंगा आपसे. श्योर. आपके हस्बैंड का साथ आपके फेस पे, आपके ग्रैटिट्यूड में दिखता है? ऑफ कोर्स. क्या है वो, तो मतलब है. आप कैसे देखते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, क्या अपना इतना कमाल का टाइम स्पेंड किया होगा आपने? बहुत सपोर्ट मिली है मुझे अपने हस्बैंड की, क्या मुझे अपने पूरे फैमिली की बहुत सपोर्ट मिली है. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. कभी मुझे अगर मैं रात को 10 बजे तक भी पढ़ा रही हूँ तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुमने इतनी लेट तक क्यों पढ़ाया, या घर पे अभी खाना नहीं तैयार है या कुछ है. ही नेवर सेड मी दिस थिंग, कभी भी नहीं. और कभी आज तक ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे आते. जब ऐसे पर्सन से मिलना नहीं, मेरे को इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कभी भी किसी भी चीज के लिए. अभी भी आज पॉडकास्ट के लिए मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कहा नहीं तुम जाओ, तुम जरूर करो. मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि करूँ या ना करूँ, बट उनको था कि नहीं मैंने करवाना है, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है. पॉडकास्ट का सिर्फ एक ही रीजन है, कोई भी कॉमन बंदा कोई भी अपनी बात कर सकता है, ये उनका चैनल है, जिसको भी बात करनी है वो आओ अपने दिल खोल के बात. मैं वही तो कह रही हूँ कि ये तो दिस इज वेरी गुड ऑन योर बिहाफ कि यू आर गिविंग चांसेस टू द कॉमन पीपल, तो ये भी बहुत अच्छा, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम है. उनको जाना बहुत जरूरी है मैम, सबके मन में बातें.
बिल्कुल बहुत होती होंगी. हो सकता है मेरी इससे हो सकता है किसी को हेल्प मिले या yes, कुछ हो सकता है, यू नेवर नो. बट ठीक है, कॉमन पीपल के लिए ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड गुड थिंग यू आर डूइंग मोक्ष. थैंक यू सो मच मैम. आप कुछ कहना चाहेंगे मेरी ऑडियंस से? ये कि मोक्ष को सपोर्ट करो. उनको कुछ बोलना चाहेंगे? चलो यार, मेरे को सपोर्ट करो. मोक्ष को जरूर सपोर्ट करो, अब वो बहुत जरूरी है क्योंकि तभी वो और कॉमन पीपल को इस प्लेटफॉर्म पे ला सकेगा. और आप बाकी ऑडियंस को ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को समझो. एवरी चाइल्ड इज यूनिक. अगेन, मार्क्स के पीछे मत भागो. बच्चों में और भी बहुत क्वालिटीज है, उनके ऊपर भी ध्यान दो, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं. और हर बच्चा कहीं ना कहीं उसका भविष्य लिखा ही होता है. हर बच्चा कहीं ना कहीं सेट ज़रूर होता है, लेकिन अगर वो पैशन को प्रोफेशन बनाएगा तो नथिंग लाइक डैट, वो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. वाओ, थैंक यू सो मच मैम आने के लिए. इतनी अच्छी लाइफ जर्नी आपने हमारे साथ शेयर करी, यूसीएस का शेयर करी. होप इसको सुनने के बाद, देखने के बाद और बंदे आएंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, अपनी बातें बोलेंगे. पक्का. ओके गाइस, होप आपको बहुत मजा आया होगा. आपको पता लगा होगा कि एक बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज क्या इंपॉर्टेंस होते हैं एक बंदे के लाइफ के अंदर, कि जब फैमिली सपोर्ट करते तो आप कुछ भी कर सकते हो. और ऑब्वियसली अपने पैशन को फॉलो करो भाई, कुछ ना कुछ जरूर बन जाओगे. तुम्हारा चैनल है यूसीएस, बैठ के बात करेंगे. बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम.